हेलो एवरीवन आज का वीडियो है फाइव वेरिएबल के मैप के ऊपर तो आज फाइव वेरिएबल के मैप कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये बताने वाली हूँ तो फाइव वेरिएबल के मैप में सबसे पहले हमें पता है कि आ, हमारे फाइव वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने सेल्स हमारे ड्रॉ होंगे यानी कि हमारा के मैप जो है वो कितने सेल्स का ड्रा होगा तो यहाँ पे मैं इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर टू की पावर फाइव रखेंगे विच इज़ थर्टी टू यानी कि हमारे थर्टी टू ब्लॉक्स होने चाहिए ठीक है थर्टी टू ब्लॉक्स हमारे अब हम उनसे ड्रॉ कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे तो थर्टी टू ब्लॉक्स को ड्रा करने के लिए सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे यानी कि एक जगह पर सिक्सटीन और एक जगह पर सिक्सटीन जैसे फोर वेरिएबल के मैप के लिए ड्रॉ करते थे सेम बिल्कुल वैसे ही एक फोर वेरिएबल के मैप के लिए यहाँ पर एक फोर फोर वेरिएबल के मैप के लिए यहाँ पर तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ फटाफट से तो मैंने यहाँ पे फोर वेरिएबल के के uh, मैप दो ड्रॉ कर लिए हैं यानी कि अगर यहाँ पे ठीक से देखो तो सिक्सटीन ब्लॉक्सेज में है सिक्सटीन ब्लॉक्स में है तो अभी हमें फ़ोर वेरिएबल के मैप के लिए वैल्यू रखनी कैसे है मतलब वेरिएबल्स कौन से कहाँ रखने हैं हमें ये देखना है तो हम क्या करेंगे हमारे पास पाँच वेरिएबल है मैं यहाँ पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई वेरिएबल दिया हुआ नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मैं अपने पाँच वेरिएबल्स को ए बी सी डी और e ईज्यूम कर लेती हूँ ठीक है तो अगर मेरे ये पाँच वेरिएबल हैं तो मैं इस वाले को जो पहला वाला मेरा के मैप है मैं इसे ए इज़ इक्ल्स टू जीरो कंसिडर कर लेती हूँ और इसे ए इज़ ईक्ल्स टू वन कन्सीडर कर लेती हूँ ठीक है अब यहाँ पर मैं इसे मैंने ए कंसिडर कर लिया तो मेरे क्या बचे बी सी डी ई तो मैं इसको बी सी और यहाँ पर डी ई e रख लेती हूँ सेम बी सी और डी ई e रख लेती हूँ ठीक है और नंबरिंग सेम रहेगी यहाँ पर ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ पहले नंबरिंग कर लूँ ज़ीरो 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 वन 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 ठीक है मैंने यहाँ पे ये नंबरिंग भी कर दी है अभी यहाँ पर ये जो नंबरिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे मैंने ए को जीरो माना है ए बी जीरो है मेरा बी सी जीरो ज़ीरो डी e ई बी जीरो जीरो यानी पाँचों वेरिएबल जीरो हैं तो मैं इस कॉलम में जीरो लिखूंगी ठीक है तो ये इस तरीके से नंबरिंग है यहाँ पर जो हमने क्या किया है इस वाले बाइनरी को डेसीमल में कन्वर्ट करके नंबरिंग की है तो मैं बिना देर किए यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, थर्टीन 14, फिफ्टीन तो ये यहाँ फिफ्टीन तक नंबरिंग हो गई है अब अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो मेरा ए वन है तो अगर इसे ए वन लिया वन ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो तो वो किस वो क्या डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पर ये सिक्सटीन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि यहाँ पर फिफ्टीन के बाद ही आता है यानी कि फिफ्टीन 16, सिक्सटीन 18, एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थर्टी और लास्ट थर्टी वन ठीक है तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी है अब इसके बाद हमें क्या करना है जो भी हमारे को फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने वंस को यहाँ पे पुट करना है तो देख लेती हूँ मैं यहाँ पे क्या थे मेरे फंक्शंस ये लिखे हुए हैं तो वन वन पे वन है फाइव पे वन है सिक्स सेवन नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी नाइन तो मैंने यहाँ पे वंस रख लिए हैं आपने ठीक है क्वेश्चन में अगर देखें यहाँ पे तो मैंने अपने वंस को भी रख लिया है अब क्या करना है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ग्रुपिंग तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बस हमें यहाँ पर इसे कंसिडर करना है कि जैसे ये जो पहला के मैप है ये दूसरा के मैप इसके ऊपर रखा हुआ है हमें कुछ इस तरह से कंसिडर करके चलना है यानी कि ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रुपिंग अलग कर दी इसकी ग्रुपिंग अलग कर दी नहीं हमें कंसिडर करना है कि ये वाला जो के मैप है समझो इसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया ठीक है तो अगर मैं इसी तरह से देखूँ तो इस वाले के मैप में यहाँ पर चार की ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पर चार का ग्रुप बन रहा है सेम चार का ग्रुप यहाँ बन रहा है अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये वाली जो जो ये वाली मेरी लाइन है वो जस्ट इसके ऊपर ही आ रही है यानी कि ये यह इसके ऊपर आ रहा है तो मैं इसे चार का ना कंसीडर करके इसे मैं आठ का कंसीडर करूंगी यानी कि ये और ये मिलाकर मेरा आठ का एक ग्रुप बना रहा है क्योंकि ये जस्ट इसके ऊपर है ये जस्ट इसके ऊपर है यानी कि यहाँ से भी सेकंड है यहाँ से भी सेकंड है तो इसके ऊपर है ठीक है अब मेरा यहाँ पर जो एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पर ये यह चार का एक ग्रुप इजीली बन जाएगा और यहाँ पर ये यह चार का और तो इससे बड़ा तो ग्रुप नहीं बनेगा नहीं तो यहाँ पर चार का ग्रुप बना देते हैं इसको और इसको भी एक चार का ग्रुप बना देते हैं तो यहाँ पर ग्रुपिंग कुछ इस तरह से होती है हमें क्या करना होता है जो मैंने बताया कि इस वाले के मैं आपको समझ लो इसके ऊपर रखा हुआ है और ऐसा कंसिडर करके हमें ग्रुपिंग करनी होती है ठीक है अगर यहाँ एक यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन यहाँ वन होता और सेम यहाँ 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 वन होता तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये हम एक दो तीन चार नहीं मानते हम इसे आठ मानते हैं यानी कि ठीक है इस तरह से हम इसे ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है अभी इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लिखने के लिए हाँ ठीक है तो इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे मैं वाई इज इक्वल्स टू मैंने लिया है तो इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन मैं इसी वाले ग्रुप के लिए लिख लेती हूँ जो पहला ग्रुप है मेरे यहाँ पे तीन ग्रुप बन रहे हैं चार ग्रुप नहीं तीन ग्रुप बन रहे हैं पहला ग्रुप जो कि ये है दूसरा ग्रुप ये तीसरा ग्रुप ये ठीक है ये चीज़ याद रखनी है इसके बाद अगर मैं इस वाले ग्रुप को देखूँ जो ये आठ का ग्रुप बन रहा है तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने ए को यहाँ जीरो लिया है ए को वन लिया है तो इस वाली कंडीशन में मेरे ए जो है वो चेंज हो रहा है यानी कि ए डिफरेंट है ऑपोजिट है तो हमें पता होता है कि जब भी हमारे वेरिएबल ऑपोजिट होते हैं तो हम उसको कंसिडर नहीं करते तो यहाँ वेरिएबल ऑपोजिट है हम कंसिडर नहीं करेंगे नेक्स्ट अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे जो फोर वेरिएबल के मैप का लॉजिक है वही लगेगा कि ये अगर सारे ही हमारे इसके कॉलम जो सेल्स हैं फुल हो तो हम उसके सामने वाला वेरिएबल कोई भी कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है तो ये यहाँ पर पूरा ब्लॉक फुल है तो हम इसके सामने वाला वेरिएबल कंसिडर कर नहीं करेंगे सेब इसके लिए भी कोई वेरिएबल कंसिडर नहीं करना है ऊपर देखना है अब हमें तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये वाला डी और ये डी दोनों ही क्या है कॉमन है डी नहीं है ये डी बार है क्योंकि ये ज़ीरो है तो मैं इसे लिखूँगी पहला डी बार और ये दूसरा क्या है ई e. ये भी दोनों इसके लिए कॉमन है तो मैं लिखूँगी ई ठीक है पहले वाले मेरे इस ग्रुप के लिए इक्वेशन डी बार ई आई है प्लस अगला मेरा अगर मैं देखूं तो अगला मैं इसे अगर एक ग्रुप कंसीडर करती हूं तो यहां पर मैं देखूं तो सबसे पहले ये फाइव वेरिएबल के मैप है तो यहाँ मुझे ए को भी कंसिडर करके चलना है जो कि मेरा ए यहाँ पे क्या था ज़ीरो है तो इसे मैं ए बार पहले ही लिख लूँगी क्योंकि यहाँ पर ये ए ऑलरेडी मेरे इसके मैप के लिए जीरो है अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगी लिखूँगी यानी इस ग्रुप के लिए जो कि क्या होगी ये फर्स्ट वाला मेरा ऑपोजिट है इसे कंसिडर नहीं करेंगे सेकेंड वाला मेरा सेम है यानी कि सी सी ये चेंज नहीं हो रहा है सी है तो uh, okay, क्योंकि ये वन है तो यहाँ पे सी रहेगा तो मैंने यहाँ पे सी लिखा और यहाँ से देखें तो ये फर्स्ट वाला ही सेम है जो कि हमारा डी है तो इसे डी लिखेंगे तो ए बार सी प्लस ए बार सी डी ठीक है अब प्लस नेक्स्ट अगर मैं इस वाले के मैप को देखूँ इस वाले में मेरा ये ग्रुप बन रहा था ठीक है तो इस वाले गेम ऐप के लिए हमारा जो ए था वो क्या था वन था जो कि मेरा ऑलरेडी ए है मतलब वन है तो मैं इस पर बार से नहीं कंसिडर करेंगे ए नॉर्मली कंसिडर करेंगे अगर मैं इसके सामने से देखूँ तो यहाँ पर मेरा जो बी बार है यानी कि फर्स्ट वाला जो ज़ीरो है वो कॉमन है फर्स्ट बिट कॉमन है जो कि बी बार है बी ठीक है बार है क्योंकि ये ज़ीरो है तो बी बार और अगर इसके ऊपर से देखूँ तो मेरी ये फर्स्ट बिट ही सेम है जो कि ये डी डी को रिप्रेजेंट कर रही है तो ए बी बार डी तो ये थी हमारी फ़ाइव वेरिएबल के मैप के लिए इक्वेशन इसी तरह से यहाँ पे फाइव वेरिएबल के मैप को सॉल्व किया जाता है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और फाइव वेरिएबल के मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं सॉल्व करके दूँगी और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी ठीक है आज के लिए बस इतना ही बाय